शिकारी पक्षियों के कहर से हम सभी वाकिफ हैं कि यहाँ किस तरह से पलक झपकते ही अपने शिकार को मौत के घाट उतार देते हैं। इनका हमला इतना खतरनाक होता है कि सारे पक्षी इनके डर से कांपते रहते हैं। अक्सर इनको दूसरे पक्षियों का शिकार करते हुए देखा गया है, लेकिन जब इनका दिन खराब होता है तो ये भी किसी ना किसी जंगली जानवर के हत्थे चढ़ जाते हैं और उनका शिकार बन जाते हैं। आज का यह वीडियो शिकारी पक्षियों और जंगल के जानवरों के बीच होने वाला है, जहां जंगल के जानवर इनको बहुत ही बुरी तरीके से मारने वाले हैं। लीपर्ड वर्सेस ईगल। लीपर्ड हमेशा अपने शिकार को पहले घात लगाता है और उसके बाद उस पर पलक झपकते ही टूट पड़ता है। इस वीडियो क्लिप में आप देख रहे होंगे कि एक लीपर्ड ने एक ईगल को देख लिया है और लीपर्ड अपनी जगह पर शांत खड़ा है और ईगल को भनक भी नहीं है कि कोई उसे देख रहा है। तभी ईगल अपनी जगह से कुछ दूर आगे उड़ने की कोशिश करता है, लेकिन लीपर्ड इतनी तेजी से ऊपर टूट पड़ता है कि ईगल को समझ भी नहीं आता कि आखिर क्या हुआ और उसे मौत के घाट उतार देता है। चीता वर्सेस ऑस्ट्रिच। चीता की तेज रफ्तार ही इसकी सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि यहाँ पलक झपकते ही अपने शिकार को मौत के घाट उतार देता है और यही स्पीड ही इसकी एक सबसे बड़ी पहचान है। इस वीडियो क्लिप में आप देख रहे हैं कि दो चीतों ने एक ऑस्ट्रिच को देख लिया है और वो अब उनका पीछे दबे कदमों से करने लगे हैं और ऑस्ट्रिच पंख फैलाते हुए मस्ती कर रहे हैं और इन्हें पता नहीं ये मस्ती इनकी कुछ समय बाद मातम में बदलने वाली है। तभी चीते दबे कदमों से इनके पीछे पीछे लग जाते हैं और धीरे धीरे वह अपनी स्पीड बढ़ाना शुरू कर देते हैं और ऑस्ट्रिच की तरफ दौड़ लगाकर ऑस्ट्रिच भी वहाँ से भागने की पूरी कोशिश करते हैं। लेकिन दो ऑस्ट्रिच में से एक ऑस्ट्रिच भागने में कामयाब हो जाता है, जबकि दूसरा इनके चुंगल में फंस जाता है और देखते ही देखते ऑस्ट्रिच इनसे बचने की पूरी कोशिश कर रहा है और सभी मिलकर इस ऑस्ट्रिच को मौत के घाट उतार देते हैं। लायन हंट्स हिरोन। हिरोन को अक्सर पानी के आसपास वाले इलाकों में देखा जा सकता है। इस वीडियो क्लिप में आप देख रहे हैं कि एक हिरोन इन शेरनियों और एक शेर के बीच फंस चुका है और सभी इसका बाहर आने का इंतजार कर रहे हैं और सभी शेर एक हिरोन को पकड़ने के लिए सभी अपनी अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं और सभी ने घात लगाकर अपनी अपनी जगह पोजीशन ले चुकी है। तभी हिरोन धीरे धीरे आगे बढ़ता नजर आ रहा है और यह खुद ही अपनी मौत के करीब जा रहा है और तभी वहाँ शेरनी इस हिरोन को पकड़ लेती है और वहाँ से दूर भागने में कामयाब हो जाती है और वहाँ शेरनी उसको दूर ले जाकर उसको मौत के घाट उतार देती है। लायंस कब्स अटैक हॉग। शेर जितने खतरनाक तरीके से अपने शिकार को मौत के घाट उतारते हैं, उसी तरह ही उसके बच्चे भी बचपन से ही ये ट्रेनिंग लेते रहते हैं। इस वीडियो क्लिप में आप देख रहे हैं कि शेर के बच्चों ने एक हॉग को देख लिया है और वह धीरे धीरे उस हॉक की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन हॉक उन्हें बच्चा समझकर डरा भी देता है और एक बच्चा वहाँ से भाग भी जाता है, लेकिन बाकी शेर के बच्चे फिर उस हॉक पर टूट पड़ते हैं और उसको नोचना शुरू करते हैं और हॉक बेचारा इन बच्चों का शिकार हो जाता है और ये सभी बच्चे इस हॉक का भोजन करना शुरू कर देते हैं और अपनी भूख मिटाना शुरू कर देते हैं। सी लायंस अटैक पेंगुइन। पेंगुइन अक्सर समुद्र के किनारों में पाया जाता है। यह ऑक्टोपस जैसी छोटी छोटी मछलियों को अपना शिकार बनाता है। आज हम इस वीडियो क्लिप में देखेंगे कि किस तरीके से सी लायन इस पेंगुइन को अपना शिकार बनाता है।
इस वीडियो क्लिप में आप देख रहे हैं कि सी लायन को पता चलता है कि पेंगुइन का एक झुंड इनके इलाके में पहुंच चुका है। तभी सी लायन इनके झुंड की तरफ दौड़ पड़ता है और यह रेस इतनी खतरनाक होती है कि बस जिंदगी और मौत आज ही तय होगा कि कौन जिएगा और कौन मरेगा। लेकिन पेंगुइन इनसे बचने की पूरी कोशिश करती है और वहाँ से भागने में कामयाब भी हो जाती है। लेकिन सी लायन इतने खतरनाक कि वहाँ पानी से बाहर आकर इस पेंगुइन को पकड़ लेता है और पेंगुइन इससे दोबारा बच भी जाता है। लेकिन सी लायन इसको मौत के घाट उतारने में कामयाब हो जाता है और पानी में चला जाता है। शार्क वर्सेस अल्बेट्रॉस। अल्बेट्रॉस अक्सर समुद्र के किनारों में देखे जाते हैं क्योंकि यहाँ इनको भरपूर मात्रा में अपना शिकार मिल जाता है। वहीं शार्क भी एक ऐसा शिकारी है कि इनको देखते ही इन पर टूट पड़ता है और जब ये दोनों खूंखार शिकारी आपस में टकराएंगे तो क्या होगा, आप खुद ही इस वीडियो क्लिप में देख लीजिएगा। इस वीडियो क्लिप में आप देख रहे हैं कि एक एक करके ये शार्क इन अल्बेट्रॉस को मौत के घाट उतार रही है और अल्बेट्रॉस इस उम्मीद से पानी में जा रहे हैं कि वह अपना शिकार कर सके। लेकिन उन्हें ये पता नहीं कि खुद यह एक शिकार बन जाएंगे और शार्क इन अल्बेट्रॉस को मौत के घाट उतारती जा रही है और इनको पानी के अंदर ले जाकर इनको अपना भोजन बना लेती है। जैकल वर्सेस स्ट्रॉक। स्ट्रॉक अपनी लंबी लंबी टांगों के लिए जाना जाता है और यह अक्सर नदियों और तालाब के किनारे पाया जाता है और यह इतना खतरनाक शिकारी होता है कि यह पलक झपकते ही मछलियों जैसी पर टूट पड़ता है। आज इस वीडियो क्लिप में एक स्ट्रॉक खुद ही एक जैकल का शिकार बन जाता है। इधर जैकल ने एक स्ट्रॉक को पकड़ लिया है और जैकल ने अपनी मजबूत जबड़े से इस स्ट्रॉक की गर्दन को इस तरीके से पकड़ लिया है कि अब यह स्ट्रॉक नहीं बच सकता और स्ट्रॉक बचने की पूरी कोशिश करता है लेकिन वह नाकामयाब हो जाता है और जैकल इस स्ट्रॉक को मौत के घाट उतारने में कामयाब हो जाता है और वह मर जाता है। लिपार्ड वर्सेस ओवल। ओवल की बात की जाए, यह एक ऐसा परिंदा है जो कि अपने शिकार के दिलों पर खौफ पैदा करता है। इस वीडियो क्लिप में आप आज देखेंगे कि एक ओवल किस तरीके से एक लिपार्ड का शिकार बन जाता है। इधर एक लिपार्ड की नज़र ओवल के घोंसले पर पड़ती है और वह इस पेड़ पर चढ़ जाता है और लिपार्ड इस पेड़ को नोचने लगता है ताकि उस ओवल को बाहर निकाला जा सके और उसको वहाँ बाहर निकालने में कामयाब हो जाता है और उसका शिकार कर देता है, जबकि एक ओवल उड़ने में कामयाब हो जाता है और देखते ही देखते ये लिपार्ड इस ओवल को मौत के घाट उतार देता है। तो दोस्तों, जंगल में कुछ ऐसे भी मौके आते हैं जब शिकारी पक्षियों को भी अपनी मौत से हाथ धोना पड़ता है क्योंकि एनिमल किंगडम में ऐसे खूंखार जानवर भी हैं जो शिकारी पक्षियों को भी अपना शिकार बना देते हैं। वैसे आपको इनमें से कौन सा हमला सबसे खतरनाक लगा हमें कमेंट्स में अवश्य बताएं और यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक और शेयर अवश्य करें। साथ ही ऐसे ही वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन अवश्य प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।